नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार हैं, लेकिन ऐसे में अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर टिप्पणी की है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि उन्हें एक बार तेजस्वी यादव की क्षमता को जरूर देखना चाहिए। जिस तरीके से उनमें क्षमता है बिहार के युवाओं को आगे ले जाने की, बिहार को आगे ले जाने की, तो उन्हें नीतीश कुमार को जरूर देखना चाहिए। और अगर वो देख लेंगे तो वो खुद तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना देंगे। आप सुनिए जगदानंद सिंह क्या कुछ कहते हैं। लीजिए, पिटीशन देकर के रुकवाते थे और इन लोगों ने क्या कहा, हमको कोई परीक्षा नहीं लेनी है, कागज लाओ नौकरी पाओ। ये तो कभी मांग नहीं थी, पढ़े लिखे नौजवानों की मांग नहीं थी। आपने इस व्यवस्था को बिगाड़ा और व्यवस्था का आज नतीजा प्यार भुगत रहा है। 15 सालों के भीतर प्राइमरी वाला लड़का अब कॉलेज के स्तर पर पहुंचा है और कॉलेज के स्तर पर डिग्री लेकर के भारत के पैमाने पर अपनी योग्यता को दिखाने लायक योग्यता नहीं उसको आपने दे पाया। दोस्त, हुकूमत का है, चौपट कर चुके हो नीतीश कुमार जी बिहार का वर्तमान, अब भविष्य को मंदुक्षांग करो। अभी भी तेजस्वी को आने दो, तेजस्वी की डिग्री मत देखो। तेजस्वी जो लोगों के भीतर योग्यता पैदा करने की चाहत रखता है, उस चाहत को देखो। तुम उस चाहत को नकारते हो कि योग्यता कितनी है तेजस्वी की। तुम तो इंजीनियर थे, तुम तो योग्य थे, तुमने पूरी तरह बिहार की समाज को अयोग्य क्यों बना दिया, क्यों बना दिया अयोग्य? इसलिए अयोग्यता नहीं चलेगी बिहार में। जिस तेवर के साथ तेजस्वी योग्यता पैदा करना चाहता है समाज में, उसको मौका दो, कुर्सी से हटो और 15 साल पहले जिस तरह से क्वालिटी एजुकेशन को हम लोग ने काम किया था और उससे बेहतर हम लोग उस क्वालिटी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन को लागू करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से जगदानंद सिंह जो है वो उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया है बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर। और जिस तरीके से तमाम जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं बिहार के, इन सब मुद्दों पर उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य भी बता दिया है। अब बटन हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।